हजारीबाग इचाक के आरएम प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय चंदा में झारखंड कुशवाहा महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री बाटेश्वर मेहता के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ के पूर्व परिसर में स्थित रामेश्वर महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि निस्वार्थ भाव से गरीबों की यदि सेवा करेंगे तो दरोगा क्या आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं। कार्यक्रम में सभी सफल अभ्यर्थी एवं विद्यार्थी अपनी अपनी सफलता के राज को पेश किया। साथ ही नव नियुक्त दरोगा एवं नवोदय में उत्तीर्ण छात्र छात्रों के अंग वस्त्र एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि गुरुकुल के निदेशक जेपी जैन ने कहा कि मेहनत करने से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वागत में मेहता जी ने कहा कि यह एक संघर्ष का नतीजा है। आज हमारे झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में दरोगा एवं विभिन्न पदों में बहाली हुई है एवं हमने इचाक को शिक्षा का केंद्र बनाने का सपना देखा था जो कि हमें साकार होता दिख रहा है। इस कार्यक्रम में अधिकतर सामान्य किसान वर्ग के दरोगा में चयनित छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं कि इस विद्यालय में आकर के ये लोग सम्मान लेने के लिए आए हैं, इनके लिए हम इनको बधाई देते हैं और संदेश देते हैं कि गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग को इस सेवा करें और देशभक्ति के रूप में यह सेवा करें। यह धरती वीरों की धरती है और वीर की धरती है। यही कारगिल शहीद रघुवीर मेहता हुआ, कारगिल शहीद राजेश मिंज हुआ। हमारा इचाक की धरती वीरों की धरती है और मुझे इसलिए गौरव है कि हम इचाक के धरती पुत्र हैं, यहाँ पैदा लिए हैं और यहाँ के 25 दरोगा यहाँ निकाले हैं। अगला बार कंपटीशन में 40 निकाले 50 निकाले मेरी शुभकामना है। और साथ ही जो नवोदय विद्यालय ननहाल बच्चियां हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय पास किया, इन लोग भी हम कामना करते हैं कि नवोदय विद्यालय भी ऐसा ही रिजल्ट करे कि देश स्तर पर लोग नाम रोशन करे। साथ ही साथ खबर 365 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क करें।